पता है कहाँ हैं हम? दूसरी दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा टफ रूट है ये। मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में ना ऐसे रास्ते कहीं पे मिलेंगे आपको, और कई लोगों की तो क्लच प्लेटें भी वहाँ पे बर्न हुई हैं। एक्चुअली चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अपना जुगनू चढ़ नहीं पा रहा है यहाँ से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वंस अगेन। सुबह के 8:10 हुए हैं। अगर टेम्परेचर अगर मैं बताऊं तो होगा यहां का मेरे ख्याल से -5 के आसपास। हम हैं पोटोला गेस्ट हाउस जो कि पदुम में है। पदुम कहां पड़ता है? पदुम पड़ता है झंस्कार वैली में। अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। इनफैक्ट जो पूरी सीरीज है दोस्तों वो देखिएगा। तो आज का जो शेड्यूल है हमारा, हम जा रहे हैं यहां से सपनों के शहर लेह में। क्यों भाई? बिल्कुल ऑल सेट। ऑल सेट। आज का जो डिस्टेंस होने वाला है वो करीबन होगा 220-230 किलोमीटर, लेकिन जो रोड्स और जो लैंडस्केप आपको देखने को मिलने वाले ना भाई साहब, वो अलग ही लेवल की मिलने वाली है। मतलब यार मोस्ट डेंजरस मैं बोलूँगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अपना जो रूम है कुछ ऐसा है, और ये हमें पड़ा है 2500 रुपये का। वैसे अगर आप पीक सीज़न वगैरह में आओगे, जून जुलाई वगैरह में, तो ये 5000 रुपये का बता रहे थे। अभी क्या है कि बिल्कुल ऑफ सीज़न है, तो हमें ये 2500 रुपये का दे दिया विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, है ना। रूम इतना बढ़िया है कि उसके कर्टन भी बहुत ठीक है, और यहाँ से व्यू तो कुछ खास है नहीं लग रहा है यार, बढ़िया सा है, लेकिन क्या करें खोलेंगे नहीं, ठंड ज़्यादा है अभी। अच्छा बना हुआ है यार ये, पूरा लकड़ी का काम हो रखा है इसमें। वाह 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 वाह। चलो बैठे यहाँ पे। बाहर क्या है? यहाँ पे धूप आई हुई है, देखो। ओहो, पहाड़ों पे बर्फ है यहाँ पर, देखो सही लग रहा है। कितने क्या हुआ? जाना है, हमें जाना है ले, ले जाना। हाँ ले जाना है भाई साहब, ये लाइफ लाइन है यहाँ की। चाय के पैक बन गए। चाय के पैक ये अंडा भुर्जी, और ये खम्बीर है सर। खम्बीर, खम्बीर, खम्बीर बोलते हैं, खम्बीर, खम्बीर, खम्बीर। ओके, तो बेसिकली यार ये स्पीति वगैरह में भी मिलती है, हमने बहुत खाई है ये। तो इस पे लगाते हैं मक्खन, ब्रेड, जैम, और शुरुआत करते हैं आज के ब्रेकफास्ट की। डालो 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 डाली डालो। लेग पे बोर्ड आ गया ना? हाँ, वहाँ बोर्ड आ गए, ले फिर आ गए, ले फिर आ गए। ये लो जी, अपना जुगनू हो चुका है तैयार, सामान सारा कुछ लोड कर चुके हैं। देखो कितना फुल्लम फुल भर चुका है, सही कितना सामान है हमारे पास, टेंट वेंट पता नहीं क्या क्या भर के लेके आए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो ड्रोन की जो बैटरी है ना हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ये है पावर सॉकेट इसका, और हमारे पास है एक ये AC-DC कन्वर्टर, तो होप्स हो कि यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। तो सामान कुछ ऐसे लोड हो चुका है। ओके, लेट्स रॉक एंड रोल ऑन मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये था जी पटोला गेस्ट हाउस, जो कि मेरे ख्याल से पदुम में सबसे बड़ा है, सबसे बेस्ट है। हाँ, सबसे बेस्ट भी है। ये आ गए मेन मार्केट, ये जो आप देखे ना GA Skith, पिछली बार मैं इसी में रुका था, ये वाला होटल राइट हैंड साइड पे। ये दुकानें तो खुल गई हैं, खाने पीने का ले लिया हमने, 2-4 ब्रेड पैक करवा दिए, अगर रास्ते में मिलता नहीं है कुछ तो वही खाएंगे। तो ये है जी पदुम शहर, छोटा सा शहर है, मेरे ख्याल से आबादी होगी 8-10 हज़ार की। तो होटल काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन सारे के सारे बंद हैं, विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और टेम्परेचर डाउन हो चुका है कई जगह। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस भी मिली कल हम जब आए थे। पूछूं एक बार, ये जांगला के लिए कैसे जाएंगे? आप सीधे जाइए। अच्छा, फर्स्ट टर्न फिर कंटिन्यू कर दीजिए। थैंक यू, फर्स्ट टर्न। भाई साहब शीशे भी साफ नहीं किए सर, बहुत गंदे हो रहे हैं। Thank you.
करो। ये देखो भाई, जिंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन एक लद्दाख का ट्रिप ना जरूर करना। क्यों अक्षय भाई? बिल्कुल है ना, क्योंकि इंडिया का सबसे खूबसूरत प्लेस अगर मैं कहूँ, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब उस टाइप से नहीं, वैसे तो हर प्लेस का एक अलग ऑरा होता है, एक अलग कल्चर होता है, हर चीज़ें अलग होती है। मेरी नज़र में जैसे मैंने पूरा इंडिया घुमा हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो मुझे लगता है कि यार लद्दाख ना ऐसी जगह है जो कि कभी भूली नहीं जा सकती। ऑलरेडी मैं करीबन 16 बार आ चुका हूँ, ये 17th टाइम है जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लद्दाख में, तो कभी मन नहीं भरता लद्दाख आने से। हर वेदर अलग है, हर मंथ अलग है यहाँ का। जैसे जून जुलाई में आओगे आपको बर्फ़ मिलेगी, वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगी, फिर अगस्त तो आपको बादल मिलेंगे बढ़िया वाले, थोड़े थोड़े रेनी सीज़न भी मिलेगा, वेदर प्लेजेंट हो जाता है उस टाइम। और अब इस टाइम हम कर रहे हैं ये नवंबर में, देखो एक्सट्रीम विंटर लद्दाख, टेम्परेचर अभी भी बाहर का मैं बताऊँ तो 1 से 2 डिग्री है, गाड़ी के अंदर बैठ के तो इतना पता नहीं चल रहा है। ये है जांगला जंक्शन टू लिंगशेट, तो हमें ना लिंगशेट नहीं जाना है, बेसिकली निराग जाना है। हाँ। लिंगशेट 20-25 किलोमीटर और इधर की साइड है शायद। बड़े सारे लाला। हाँ, आज 3-4 पासेस क्रॉस करेंगे हम। मुर्गुमला, सेजरला और सिंगेला। ये चेक पोस्ट आ गई, यहाँ पे रुकना है क्या? पूछो जरा, रुकना है, कुछ एंट्री करानी है क्या? हाँ जी सर, कोई एंट्री करनी है। हाँ जी, कहाँ जाना है? हमें जाना ले। लो भाई, यहाँ से ब्लैक टॉप हो गया ख़त्म, रोड रह गया पीछे, अब से स्टार्ट हो गया ऑफ रोड। ये यहीं तक था रोड। सब रोड देखो आगे कैसे जा रहा है, यूं यहीं से होते हुए जा रहा है हमें। चट्टान में सामने वाली चट्टान देखो, कितना बड़ा पत्थर बिल्कुल अटका पड़ा है। सी ये देखो भाई साहब, क्या जगह है यार, और नीचे से नदी बह रही है, मेरे ख्याल से झंझका रिवर ही होगी शायद। और यहाँ से देखो, एक चीज करते हैं, एक सेकेंड, भाई वो नीचे क्या पत्थर पूरा नीचे तक, अभी तक उछलता हुआ जा रहा है। देखो रोड आ गया भाई, रोड आ गया, थोड़ा सा इन्होंने बनाया होगा अपने लिए बीआरओ वालों ने। देखो टाइम हो गया है जी 11:34, और अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे हम, कहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए पूछना, ये तो भागी गया। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको बोलो सामान पूछो। भैया जगह बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, यहाँ तक जाएगा? एक मिनट आप इधर आओ। अच्छा देखो, आप खुद देखो। ठीक है ठीक, बिल्कुल नहीं जगह, जगह होती तो बैठा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी नीचे जाना है क्या? चलो चलो। हाँ हाँ, एक मिनट देखने देना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे निकालूंगा, क्यों जल्दबाजी करें। जल्दबाजी सामने ही भाई साहब खाई है बिल्कुल, छोटी सी भी गलती सीधा नदी में बूम 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 हो जाएगा। डोंट बी कामा इन द लैंड ऑफ लामा, देखा आगे लिखा हुआ है, कृपया अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करें, सावधानी पूर्वक चले, स्टंटबाजी ना करें। हाँ जी पूछो। माल चला है कुछ? हाँ माल चला है कुछ ना, खाने पीने वाले हैं घूमने वाले हम। चलो ठीक है जी, ओके ओके।
मतलब कोई दारू सिगरेट गांजा कुछ भी। मैंने कहा नहीं सर हम खाने नहीं, मैंने सोचा वैसी बात करने के लिए आया होगा भाई, ये तो माल शाल पूछ रहा था। चलो कोई नहीं यार, हर किसी ये भी ठंड में काम करते हैं। हाँ तो कुछ सिगरेट या ड्रिंक कुछ पूछ रहे होंगे। हमने कहा सर हम खाने पीने, हम तो करते नहीं, खैर हम सर घूमने फिरने वाले हैं। हाँ यहाँ से डाउन जा रहा साला, नीचे नजर नहीं आ रहा। रुको रुको रुको, फोन दो क्या पता पीछे लाए। नहीं हाँ देखो पत्थर कैसे ऊपर से आ रहे हैं, दिखाता हूँ। वो देखो ये देखो पूरा आ गया। ओ भाई साहब वो भागा, वो ये देखो भाई कहाँ कहाँ जाके ये जेसीबी काम करती रहती है। अगर ये साइड देखो क्लियर है ना, अपनी साइड तो क्लियर है, ऊपर की ओर कह रहा हूँ। कहाँ अपनी साइड ऊपर। हाँ हाँ अपना क्लियर है, ठीक है। इधर खाई कितनी दूर है ना। हाँ एकदम। गाड़ी वाला तो आ गया यार, ये क्या कर रहा है भाई, पीछे ला रहा है ना वो उधर दबाएगा, बहुत है जगह निकल जाएगा। बस 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 निकल गए भाई साहब, ढलान काफ़ी है बिल्कुल सर के ऊपर। ये जैसी भी टच तो नहीं होगी। नहीं नहीं भाई, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ऊपर से, पत्थर अभी भी आ रहे हैं देखो छोटे छोटे। भाई रोड की तो बैंड बजी पड़ी है यार, ये पतला सा रोड हो रखा है बिल्कुल। ओ माय गॉड देखिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। वो कहाँ से निकाल के लिया है? वो तो निकाल के तो लाया, ऊपर चढ़ाएगा ये। अच्छा निकलेगी। हाँ निकलेगी, ये चढ़ाई से ऊपर। भाई डर लग रहा है मुझे तो उधर कोने में ले जाने में। अभी बंद होगी जगह शायद, है ना। चलो निकालो। चलो जी जय माता दी। ये इसने चढ़ा कहाँ दी, देखो अपनी साइड ही लूँ ना थोड़ी। हाँ हाँ लो, बहुत ठीक है एकदम। भाई साहब भाई कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत खतरनाक। बताते हैं कि वो जो टॉप है ना मुरगुमला टॉप, उसकी जो चढ़ाई है बहुत ही स्टीप है, और कई लोगों की तो क्लच प्लेटें भी वहाँ पे बर्न हुई हैं, इवन गाड़ियों की भी बाइकों की भी। संस्कार वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस रूट इन एंटायर लद्दाख। वैली बहुत सुंदर है। हाँ वैली बहुत सुंदर है, हालांकि टफ भी है, ऐसा नहीं है। और ये जो रिवर चल रही है साथ में, ये रिवर है झंस्कार रिवर, और इसी पर ही ना चादर ट्रैक होता है। वो होता है शायद लिंगशेड से, टूलिंग से स्टार्ट किया था ना शायद हमने, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं। हाँ वहीं से वो निराग तक जाती है जहाँ पे ट्रैक होता है निराग तक। हाँ तो हमने किया था 2020 में जनवरी में। अगर आपको वीडियोस देखने हो चादर ट्रैक के, बहुत ही आला और बहुत ही खूबसूरत वीडियोस है चादर ट्रैक के। भाई ने भी किया था, मैंने भी किया था, दोनों साथ में किया था दोनों ने, तो वो जाके ज़रूर देखना, अल्टीमेट फीलिंग आएगी आपको। हमने जो चादर ट्रैक है, मतलब जो रिवर है झंस्कार रिवर, उसके ऊपर चलते हुए पूरा पहुँचे थे भाई, वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। और ये दोजी स्कॉर्पियो गई, और ये आ रही है पहाड़ों की रानी लॉर्ड अल्टो अल्टो। कोई गाड़ी कहीं जाने जाए ये जरूर जाती है, ये जरूर जाती है, बिकॉज स्मॉलेस्ट व्हीकल है, लाइटेस्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। ये देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू निराग, निराग लिखा हुआ है वैसे, वो तो नहीं था निराग से ही रास्ता है। वो देखो कैसे नीचे आ रहा है रास्ता, यही है ना। हाँ भाई साहब जबरदस्त रास्ते बनाए हुए हैं।
चल बेटा जुगनू चढ़ जा, अभी तो मुर्गुमला टॉप भी देखना है तूने, वहाँ पता चलेगा तेरी पावर का 4x4 का। यहाँ पे ना एक छोटी सी भी गलती, आपकी आंख लगी कुछ हुआ तो भाई भयंकर हो जाएगी। ऐसा रूट है ये, और कहीं फंस जाओ, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई नहीं मिलने वाला आपको जल्दी से, और वो भी अगर रात में हो तो सोच लो आप, परमात्मा याद आ जाएगा। मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में ना ऐसे रास्ते कहीं पे मिलेंगे आपको, ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल रहा है आपको। वो देखो, माय गॉड, चादर रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वन व्हीकल, विलेज निराट। चलो जी, तो दोस्तों बड़ा ही गंदे वाला सीन है। मुझे तो लग रहा था कि यार 230-240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से 238 किलोमीटर तो ले है, तो हम पहुँचेंगे कब? हाय साहब, चिलिंग 230 है, खल से 148। भाई साहब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे खैर ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ मिल जाएंगी, लंच भी, हमें भूख है नहीं अभी खाने की। दुकान तो है यार यहाँ पे, है ना? यही तो रास्ता है, यही रास्ता है। टॉप आएगा यहीं से आएगा, मुर्गुमला टॉप उसी पे है ना, बाएं साइड वाला जाएगा ना, बाएं साइड ऊपर जाइएगा, ऊपर जाएगा ना। अच्छा आगे जाके लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड बाएं साइड। अच्छा एक चीज बताइए, पुल के बाद एक रास्ता राइट जा रहा था, वो तो उसी का है ना, यही है रास्ता, यही रास्ता ऊपर वाला है। तो भाई एक सीन और हो गया, हम आगे निकल गए थे जहाँ पे हमने बोर्ड देखा था ना, निराक वाला, वे टू निराक, नेटवर्क गया भाई, नेटवर्क गया बिल्कुल। अच्छा तो वहीं से शायद मुर्गुमला टॉप का रास्ता था, तो हम उल्टा आए हैं करीबन 2-3 किलोमीटर पीछे शायद। और ये एक रास्ता जा रहा है पतला सा राइट हैंड साइड पे, ये देख लो, ये वाला। तो हम इस वाले से आए थे, हम सीधा निकल गए थे काफ़ी आगे 4-5 किलोमीटर, अब वापसी आए हैं। चलो जी चलते हैं। तो यहाँ से आता है मुर्गुमला टॉप, गूगल तो यही दिखा रहा है, यही ना। भाई यहाँ का रास्ता कैसा, ये डरावना सा, सही भी है ये देखा जाएगा भाई, देखा जाएगा सही बात है, देखा जाएगा, क्या दिक्कत है, सामान अपने पास पूरा है, कहीं पे भी टेंट लगा लेंगे। अरे गलत भी गए तो अपने पास 40 सीटर है, 40 सीटर इन द सेंस, हाँ कम से कम 350 किलोमीटर हम कहीं भी जा सकते हैं। कौन जाता होगा यार इन रास्तों से, हम। भाई साहब एक गाड़ी भी आ जाए ना आगे से, थोड़ी तसल्ली सी हो जाएगी। आएगी। सैटेलाइट से कनेक्टेड है जैन साहब, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड चैंट जय श्री राम, जय श्री राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय। ऑफ रोड है तब दिल्ली जाके अपनी आते एडजस्ट करानी पड़ेगी लेफ्ट राइट वाली। भाई ये क्या आ गया पूरा, ये देखो कितना सही लग रहा है, वैली देखो खूबसूरत। जब असली लोड दे रहे हो फिर पीछे रुक गई हो, बहुत दिक्कत होगी। नहीं वो चढ़ जाएगी, रुकने मत देना। नहीं नहीं चढ़ तो हमारी तब भी जाएगी, लेकिन स्ट्रेस आता है गाड़ी पे। नहीं चढ़ रही भाई, डिमनी फुल दाव रखी है, क्या करूं? चलो दल हो रही है, पहले तो ये लगाओ। क्या लग गया, चलो बताए ना, चलो नहीं चढ़ रही। बिल्कुल भी हमें स्ट्रेट पीछे नहीं जाना, हम नीचे जाएंगे। तो ये साली चढ़ क्यों नहीं रही, पावर नहीं है इसमें लग रहा है, पावर नहीं सर, वापस वाले और क्या होगा, है ना? वापसी कैसे होगी यहाँ से? आराम से हो जाएगी, टाइम लगेगा, अगर आप उतरोगे गाड़ी पीछे जा जाएगी, पत्थर लगाना पड़ेगा पीछे,
चलो मैं ये लगाता हूँ। तो भाई सीन बड़ा ही गंदा है एक्चुअली, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अपना जुगनू चढ़ नहीं पा रहा है यहाँ से। वहाँ से जो टर्न है ना, अब वो जो देख रहे हो आप, वहाँ से हम बैक करके लेके आए हैं। तो यहाँ से देखते हैं एक बार 4x4 लगा के, फिर दोबारा से मोमेंटम बना के जाते हैं वहाँ पे कि चढ़ता है या नहीं चढ़ता है। नीचे से आया हम, वो देखो वो रहा रोड। लेकिन यार मुझे लग रहा है पावर की कमी यहाँ पे महसूस हो रही है, और हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं ना तो आगे मूव नहीं कर रही है गाड़ी, पीछे जा रही है। तो ये एक सीन है। तो यहाँ पर मैटर करती है पावर, टॉर्क बिल्कुल, जो मुझे लग रहा है इसमें कम है। 4L पे भी मूव नहीं कर रही कार है ना, एक इंच भी नहीं। तो यहाँ पर पत्थर लगा दिया टायर के पीछे, इससे कि पीछे ना जाए। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे देते हैं वहाँ पर, और फिर एक बार मोशन में इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। अगर नहीं चढ़ती है तो फिर वापसी उसी रूट से जाएंगे जिससे जा रहे थे हम। इट्स मोर देन 60 डिग्री है ना, काफ़ी ज़्यादा है। चलो धीरे धीरे, कर रहा है। चलो देखते हैं। तो भाई अब 4L लगा दिया है, देखते हैं कहाँ तक चढ़ेगी। अब तो भाई 4x4 एंगेज नहीं हो रहा था अपना 4L, तो अब एंगेज हो गया है, तो इस वजह से अब चढ़ना स्टार्ट कर दिया गाड़ी ने। इजीली चढ़ रही है अभी तो। अब आगे की जो कंडीशन होंगी वो बताते हैं। बाकी यार सांस इतना तेज फूल गया ना मेरा, हालत ख़राब हो रही है अभी भी, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ सब टेस्टिंग कर ली हमने, समझ भी लिया और एक्सपीरियंस भी हो गया, पसीने हो गया मैं, और अभी तक छाती में इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना, जहाँ से मैंने शूट किया था अभी अक्षय भाई चढ़ा के लेके आए, वहाँ से ऊपर आने में जो मेरी सांस फूली है, इधर गड्ढा है लेफ्ट साइड, गड्ढे में से जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा। हाँ बीच में ले लो भाई साहब, ये देखो बीच में क्रैक आया हुआ है। अरे ठीक कर रहे हैं हम। अरे अरे ठीक है हाँ, उसके बीच इधर लो। हाँ इधर नहीं, ठीक कर रहे हैं ये, कभी रोड टूट जाए। कुछ नहीं टूटेगा भाई साहब, ये तो खतरनाक है, चलते रहो, मत गाड़ी उसके बीच में मत लेना गड्ढों के, मेरे को फट जाएगी। उधर लो, इधर इधर इधर, हाँ यहाँ, हाँ ठीक है, हाँ ज़्यादा अपनी तरफ मत लो। ये तभी रूट बंद कर दिया शायद मे भी भाई, चढ़ाई है बहुत खतरनाक चढ़ाई है ये। ओ हाय, वो है टॉप, वो ज़्यादा देख, भैंस की आँख। बीच में खड़ी भी कर देंगे गाड़ी ठंडी होने के लिए, है ना। आज जिमनी का पूरा टेस्ट हो जाएगा, एक टाइम तो लगा हमें वापसी जाना पड़ेगा। और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेफ्ट चलूँगा, ऊपर से खाएंगे। हाँ और दबाओ मेरी साइड, हाँ ठीक है, जगह है। अभी तक कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आई इस रूट पे, 2 घंटे से ऊपर हो गए इस रूट पे। हाँ गाड़ी बोलो, कोई इंसान नज़र नहीं आया, इवन कोई जानवर तक। सामने का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लगने वाला है, जस्ट ये मोड़ मुड़ते ही, ओए होए होए होए, ब्यूटीफुल। अच्छा 4H 4 हाई में ज़्यादा ताकत नहीं है देखा मैंने, 4 हाई में ना। हाँ ताकत तो इसी में ही है। हाँ लो एंड टॉर्क उसी में आता है ना। हाँ चलो चढ़ गए, नो डाउट भाई बहुत खतरनाक चढ़ाई है, बहुत खतरनाक, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया है। मेरे को ये टेंशन हो रही थी उस वाले पॉइंट पे, जो एकदम स्टीप था, मोर देन 65 डिग्री का एंगल था। हाँ कि बिल्कुल भी 4L में मूव नहीं करी कार, एटलीस्ट एक इंच पावर ले, बट पावर भी नहीं लिया, तो मेरे को यही डाउट था कि 4L एंगेज नहीं हो रहा। हाँ तो अक्षय भाई ने जब बोला ना कि एंगेज नहीं हो रहा है, वो वर्ड मेरे दिमाग में कौन था कि यार हमारे एक संजय चड्डा सर है, उन्होंने बताया था कि बहुत सारी जो जिमनी है उसमें जो 4L है ना वो एंगेज नहीं हो रहा है, उसको बार बार आप एंगेज और डिसएंगेज करोगे तब जाके वो प्रॉपर लगेगा। तो हो क्या रहा था, हम लगा रहे थे और वो लग नहीं रहा था, और बार बार जो गाड़ी अपनी वो पीछे आ रही थी,
तो फिर 3-4 बार किया ऐसे, एंगेज डिसएंगेज किया, फिर अपनी जो गाड़ी है मतलब 4L में लगी, और उसके बाद तो रुकी नहीं है कहीं। 4-5 times हमने ट्राई किया, हाँ, तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब हम इतने 4x4 लवर तो है नहीं, फर्स्ट टाइम 4x4 कार चला रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नहीं मेरी भी वही है, जिसे कहते हैं ऑफ-रोडर। ऑफ-रोडर अब ये इनकी कारों में कमी है या ये बहुत रेयर यूज होते हैं इसलिए एंगेज होने में दिक्कत होती है, ये हमें नहीं पता। बाकी 4L जब से प्रॉपर चला कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे चल रहे कछुए वाली चाल है बेसिकली, लेकिन धीरे धीरे चढ़ जा रही है हर जगह, और उसमें प्रॉपर बहुत अच्छा टॉर्क आ रहा है। जैसे ये जो भी हम क्रॉस कर रहे हैं बहुत स्टीप है, स्टीप है। पता है कहाँ हैं हम? दूसरी दुनिया में। कहाँ पे भाई? जिसका नाम है मुरगुमला टॉप। मुरगुमला टॉप अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर और है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, वो देख रहे हो, ये देखो पोल नज़र आ रहे हैं ना, शायद हमें यहाँ पे जाना है। और इतनी सारी कैंचियाँ हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ से होते हुए ऊपर पहुँचेंगे वहाँ। लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा टफ रूट है ये, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे चढ़ाई वाला दिन मैं बोलूँगा। काफ़ी टफ एलिवेशन है, और पहाड़ियाँ देखो पीछे मेरे, ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ हैं ये हिमालयस। किसने यार ये रोड बनाया है, किसने ये पास बनाया है, हैं? कुदरत का करिश्मा? नहीं नहीं, बीआरओ का करिश्मा, बीआरओ ने बनाया है। रोड तो बीआरओ ने बनाया। बिल्कुल, तो बीआरओ को हैट्स ऑफ है, और अपने जुगनू को भी सलाम है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे अब चढ़ रहा है। ये आ गया टॉप, टॉप आ गया, टॉप आ गया, टॉप आ गया, क्या बात है, फाइनली चढ़ जा बेटा जुगनू, ये ओ माय गॉड। इवन ये भी दिखा दो, हाँ, अराइविंग एट, एक मिनट बस। तो फाइनली गाइस ये देखो हम पहुंच चुके हैं मुरगुमला टॉप, अराइविंग एट मुरगुमला टॉप, डन। तो ये जो रास्ता है हम यहाँ से आए हैं, और ये जो ऊपर वाला रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये जाता है सिंगेला सिरसेला होते हुए, और ये वाला रास्ता जाएगा आपका लिंगशेड। अभी दिखाता हूँ लिंगशेड की जो मोनेस्ट्री है ना, वो ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिंगशेड 5 किलोमीटर। एक सेकेंड, वो रही मोनेस्ट्री, सी ये रही। आज का जो व्लॉग है ना एंड कर देते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आगे का जो रूट है वो आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे हम। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी बेसिकली, लेकिन मज़ा आया।